आज हम बनाएंगे लौकी का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता, जिसे बनाना भी बहुत ही आसान रहेगा और इसका टेस्ट तो इतना लाजवाब रहेगा कि बड़े तो बड़े बच्चे भी खूब मांग मांग के खाएंगे। तो जो लोग लौकी नहीं खाना पसंद करते ना, वो भी इस नाश्ते को खूब ज़्यादा पसंद करेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंडियन वेज रेसिपी विद चंदा में। तो चलिए फटाफट से हम ये नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पतले साइज का लौकी लिया है, वजन में करीब ये आधा किलो से थोड़ा बेसी है। तो हमें यहाँ पे लौकी एकदम ताज़ा फ्रेश और पतले साइज का ही लेना है। अब इसका हम ऊपर का डंठल कट कर लेंगे और इसे अच्छे से छील लेंगे। छीलने के बाद हमने इसे अच्छे से धो भी लिया है, तो अब इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी लौकी को हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। तो अब इसे एक बड़े से बर्तन में रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस नाश्ते को जब भी आप बनाएंगे ना, तो इतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा ना कि सब लोग तो एकदम मांग मांग के खाएंगे। तो अब इसमें हम 1 कप बेसन डालेंगे और साथ में 4 बड़े चम्मच सूजी डालेंगे। तो अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच गरम मसाला और साथ में आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और 1 चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और साथ में स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। तो आप कुटी हुई लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम 1 कप दही लिए हैं, अब इसे डाल देंगे। तो पहले हमें इसमें पानी नहीं डालना है, दही के साथ हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहेंगे और इसे चलाते रहेंगे। इसमें कोई पानी का वो नहीं है कि हमें इसमें 1 गिलास पानी डालना है या 2 गिलास। जिस तरीके से आपका बेटर थोड़ा गाढ़ा या पतला लगे, उस हिसाब से हमें इसमें पानी डालना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। तो अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तभी ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो हम 1 से 2 चम्मच पानी और डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमें कुछ वेटर का इस तरीके से तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। तो चलते हैं अब इसे बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम गैस पे कढ़ाई रख दिए हैं। अब इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। हमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, बस 1 से आधा चम्मच ही तेल डालना है। अब इसमें हम आधा चम्मच राई डालेंगे। तो राई को अच्छे से चटकने देंगे। तो अब इसमें हम बेटर को डाल देंगे और 1 हाथ से चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे, नहीं तो ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला है। तो इसी तरह से लगातार चलाते हुए हम इसे पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसी तरह से चलाते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है। तो देखिए ये धीरे धीरे करके ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो अभी हमें 1 से 2 मिनट तक इसे और पका लेना है। तो देखिए पकाते पकाते कुछ इस तरीके से इस तरह का डो बन जाएगा। हमने इसमें बेसन डाला है तो हमें इसे धीमी आंच पे पकाना रहेगा, नहीं तो ये फिर कच्चे लगेंगे। तो देखिए ये अब कढ़ाई में चिपक नहीं रहा है, तो यानी अच्छे से ये तैयार हो गया है। तो अब एक प्लेट या थाली या फिर ट्रे लेंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच तेल डालेंगे और इसे अच्छे से लगा लेंगे। अब इसमें जो हमने डो बना के तैयार किया था, इसे पलट लेंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे। तो देखिए हमने इसे अच्छे से फैला करके एकदम से चिकना कर लिया है। अब इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ये ठंडा हो जाएगा, तब इसका हम नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। तो देखिए 15 से 20 मिनट हो गया है, अच्छे से ठंडा भी हो गया है। तो अब इसे हम कट कर लेंगे। तो आप इसे किसी भी शेप में इसे काट सकते हैं। तो देखिए हमने इसे अच्छे से कट कर लिया है।
से नाश्ता बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनने वाला है। ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है, बस 10 से 15 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा ना, तो अपने आप से ये सेट हो जाता है। इसे फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे भी ठंडा हो जाता है। तो आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं, मैं यहाँ पे सैंडविच का शेप दे रही हूँ इसे। तो आप इसे ऐसे तो ऐसे भी खा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए गैस पे एक तवा रखेंगे और तवा को गर्म होने देंगे। अब इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और तेल के साथ हम इसमें 1/2 चम्मच राई डालेंगे और 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और 1/2 चम्मच हम इसमें सफ़ेद तिल डालेंगे और 4 से 5 हम यहाँ पे कढ़ी पत्ता डालेंगे और 1 हरी मिर्च को लंबे पीस में कट करके डाल देंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा चटपटा लगेगा। अब सभी चीज़ों को 1/2 मिनट तक हम लाल कर लेंगे। तो सभी चीज़ें जो हैं अच्छे से लाल हो गया है, तो अब इसमें हम एक एक करके सभी नाश्ते को इसमें रख देंगे। तो इसे आप बना करके ना स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, जब भी मन करे खाने का तब इसे हल्का सा फ्राई करके आप इसे खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, इसे बड़े तो बड़े बच्चे भी खूब ज़्यादा पसंद करेंगे। तो जो लोग लौकी नहीं खाते हैं ना, वो भी इसे मांग मांग के खाएंगे। तो इसी तरीके से हम दोनों तरफ से पलटते हुए इसे हल्का सा क्रिस्पी कर लेंगे। तो देखिए इसे हमने पलटते पलटते हुए अच्छे से क्रिस्पी होने तक तवा पर इसे हमने फ्राई कर लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे सर्व करने के लिए। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हमारा ये लौकी का एकदम नाश्ता बन के तैयार हो गया है, जिसे बनाना भी बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट तो इतना लाजवाब है ना कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे और बच्चे भी तो खूब मांग मांग के खाएंगे। तो इसे आप हरी धनिया की चटनी या टोमेटो केचप किसी के साथ खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इसमें हमने ऐसा कोई सामान नहीं डाला है जो कि आप इसे नहीं बना सकते हैं। तो इसमें हमने बेसन सूजी डाला है, तो इसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की हमारी ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अगर आए हैं तो हमारे चैनल को ढेर सारा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नई वीडियो की जानकारी आप तक मिलती रहे।